गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टूडे वी विल रीड चैप्टर नंबर लुक एट दिक्चर राइट वर्ट है इस पिक्चर को देखिए और बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है अच्छा समझ में नहीं आ रहा नो प्रॉब्लम लेट इट वन डे वन डी द सन मून एंड वेंट आउट टू डाइन विदल एंड ऑनडर एंड लाइटिंग एक दिन सन मून और विंडर पे गए अपने अंकल आंटी और जो उनके अंकल आंटी थे वो थे थंडर एंड लाइटिंग दे मदर वन ऑफ मोस्ट डिस्टेंट स्टार यू सी फॉर अप इन द स्काई वेटेड अलॉन फॉर हर चिल्ड्रिटर्न और उनकी मम्मी जो थी जो आसमान में थी बहुत ऊपर थी वो उनका इंतजार कर रही थी इट मीन वो बच्चों के लौटने का इंतजार कर रही थी। घर पे अकेली थी बोथ द सन एंड विंड व ग्रीडी एंड सेल्फिश सन और जो विंड थे, बहुत ही सेल्फिश थे बहुत ही ग्रीडी थी जे दे इन्जॉयड द ग्रेट फिस्ट ट हेड बिन प्रिपेयर फॉर दम विदाउट ए थॉट ऑफ सैविंग एनी ऑफ इट टू टेक होम टू देअर मदर और जो भी डिशेज आ रही थी वो इंजॉय कर रहे थे और उन्होंने अपनी मम्मा के लिए सोचा भी नहीं कि मम्मा के लिए कुछ ले जाना चाहिए बट द जेंटल मोन डिड नॉट फॉरगेट लेकिन जो जेंटल मून था मून तो ऑलवेज जेंटल ही होता है ना वेरी काम एंड कूल हम्म तो जो जेंटल मून था वो अपना मम्मा अपनी मम्मी को नहीं बोला ऑफ एवरी डेनेटी डिशीज इट वॉज ब्राउट अराउंड शी प्लेज ए स्मॉल पोर्शन इन वन ऑफ अर ब्यूटिफुल लॉन्गरे डैट मदर स्टार माइट आल्सो हैव शेयर इन द ट्रीट और जब टेबल पे जितनी भी डिशेज आई तो मून क्या करती थी मून इज करती थी ओके बिकॉज़ शी करता था तो मुन क्या करती थी जितनी भी प्लेट्स थी जितनी भी डिशेज थी उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो अपनी मम्मी के लिए रख रही थी ऑन देयर रिटर्न देयर मदर हु हैड केप्ट वॉच फॉर देम ऑल नाइट लॉन्ग विद अ लिटिल ब्राइट आइज और उनके लौटने पर जो उनकी मम्मी जो थी वो सारा टाइम उनको देख रही थी वेट कर रही थी उनका फिर मम्मा ने बोला वेल चिल्ड्रन वॉट हैव यू ब्रॉट होम फॉर मी बेटा आप मेरे लिए क्या लिख के हो? आप गए थे डिनर पे गए थे अंकल आंटी के साथ गए थे आपने बहुत सारी डिशेज टेस्ट की होंगी खाई होंगी तो आप मेरे लिए क्या लिख के आए The son who was eldest, जो था था वो सबसे बड़ा था, sad, I have brought nothing home. हम तो तो घर पे कुछ भी नहीं लाए हैं for you, आपके लिए उसने कहा मैं तो अपनी अपनी सिस्टर के साथ इंजॉय करने गया था ना कि अपनी मम्मी के लिए डिनर लेने तो हमने तो एंजॉय किया वहां पे क्या जरूरत थी घर लाने की विंड सैड नाइदर हैव आई ब्रॉड एनी थिंग होम फॉर यू मदर मैंने कहा मामा मैं भी आपके लिए कुछ नहीं लेके आई हूं यू कुड हार्डली एक्सेप्ट मी टू ब्रिंग कलेक्शन ऑफ गुड थिंग्स फॉर यू वैन आई ओनली वेंट आउट फॉर माई ओन प्लेजर ठीक है आप ये क्या एक्सेप्ट कर सकते हो कि मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आऊंगी जब मैं बाहर जाऊंगी नहीं मैं भी आपके लिए कुछ नहीं लेके आई बट द मून सैड मून ने कहा मदर फैच ए प्लेट सी वॉट हर यार ब्रॉड फॉर यू ममा जाओ एक प्लेट लेकर आओ देखो मैं आपके लिए क्या ले कर आया हूँ आई मीन ले के आई हूँ एंड शेकिंग हर रेस और उसने अपनी जो रेस थी उसको शेक किया हि शो हि शावर डाउन सच ए वंडरफुल डिनर एंड नॉज सीन बिफोर और उसने वो जो डिनर था वो अपनी ममा को दिखाया कि मम्मा देखो मैं आपके लिए ये ये चीजें लेकर आया हूँ देन गॉड हु वॉज वॉचिंग चन टू सन एंड सैड और जो गॉड थे ऊपर जो बैठे हुए भगवान थे वो सारा चीज देख रहे थे उन्होंने सन को कहा बिकॉज यू वेंट आउट टू अजम्यू योर सेल्फ विद योर सिस्टर एंड फीसटेड एंड एंजॉय योर सेल्फ उसने कहा ठीक है तुम बाहर गए थे अपने एज्यूमेंट के लिए गए थे इंटरटेनमेंट के लिए गए थे अपने सिस्टर के साथ गए थे आपने खाना भी खाया इंजॉय भी किया विदाउट एनी थॉट ऑफ योर मदर एट होम आपने अपनी मम्मी के बारे में सोचा ही नहीं जो घर पे आपका वेट कर रही थी यू शॉल यू शेल बी कस्ड अब तुमको श्राप मिलना चाहिए फ्रॉम नाउ ऑन योर रेज शेल ऑलवेज बी हॉट एंड स्क्रॉचिंग एंड शेल बर्न ऑल दे तो जैसे अब आज से जो तुम्हारी जो रेज है सन की जो रेज है वो बहुत हॉट होगी बहुत स्क्रोचिंग होगी मतलब इतना लोगों को जुलसा देगी वो कि लोग भागेंगे एंड मैन शेल हेट यू और जितने भी जो लोग हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे नफरत करेंगे एंड कवर देअर हैड वेन यू अपे और जब आप निकलोगे तो लोग अपना सिर ढक लेंगे एंड दैट इज बाय दन इज टू हॉट ऑन दिस डे और कहा जाता है उस दिन से जो सन है वो बहुत ही हॉट है दिस इज ए स्टोरी नॉट रियल धैन ही टर्न टू विंड सेट फिर वो विंड के पास घर बोले यू यू ऑल्सो फॉरगेट योर मदर इन योर सेल्फिश प्लीजर ही योर डू अब तुम भी अपनी तुम तुम भी अपनी मम्मा को भूल गई अब बहुत सेल्फिश हो तुम यू शेल ऑलवेज ब्लो इन हॉट ड्राई वेदर अब जब ड्राई वैदर आएगा ना तो तुम हॉट हॉट ज्यादा ब्लो करोगी यानी कि गर्म हवाएं चलेंगी एंड शेल पार्च एंड शिविल और जो हवाएं होंगी वो कैसी होंगी झुलसा देने वाली सुखा देने वाली होंगी ऑल लिविंग थिंग जितनी भी जो चीजें हैं जब आप देखते हो गर्मी में क्या करती हैं ड्राई विंड चलती है ना एंड मैन शैल डी टेस्ट एंड अवॉइड यू फ्रॉम दिस वेरी टाइम और जो लोग होंगे वो आपसे नफरत करेंगे आपको अवॉइड करेंगे एंड डैट इज वाई द विंड इज हॉट वैदर स्टिल सो डिसक इसलिए जब हॉट वैदर में जब विंड चलती है तो उसको डिसलाइक करते हैं लोग क्योंकि बहुत ही गर्म हवा चलती है बट टू मून लेकिन वो जब मून के पास गए बोले He said because you love mother and kept for her a share in your own enjoyment. उसने कहा क्योंकि तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो और जो भी तुमने खाया कुछ भी लिया तुमने अपनी मम्मी के लिए liye शेयर रखा एक हिस्सा रखा From this time onward, you shall be forever cool, calm and bright. और आज से तुम कैसे रहोगे हमेशा के लिए कूल काम एंड ब्राइट नथिंग इज योर शैल अ कंपनी योर प्योर रेज और कोई भी बुराई कम मतलब जो बुरी चीजें हैं वो तुम्हारी प्योर रेस को कम नहीं कर सकती तो हमेशा प्योर रहोगे एंड मैन शैल ऑलवेज कॉल यू ब्लेस्ड और जितने भी मैन हैं वो आपको हमेशा ब्लेस्ड देते रहेंगे तो मून को हर कोई क्या करता है ब्लेसिंग देता है एंड डेट इज वाई द मून लाइट इज सो सॉफ्ट कूल एंड ब्यूटिफुल इवन टू डे ठीक है और आज भी मून की लाइट कैसी रहती है सॉफ्ट रहती है कूल रहती है और ब्यूटीफुल रहती है ओके तो मून की क्वालिटी क्या है काम कूल ब्राइट ब्यूटीफुल सॉफ्ट ओके दिस इज अ क्वालिटी ऑफ मून ओके नाउ टेस्ट योर माइंड यू हैव टू डू योर सेल्फ इन योर बुक अंडरस्टैंड गुड

Until you cannot understand. Bye bye. See you.